हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा राउंड टू की कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या बहुत कम जाने वाली कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे सीटें खाली है, इसको लेके एक बार एनालिसिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, हरियाणा का अगर हम देखें फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, तो पिछले साल से पहले ही फर्स्ट राउंड में 9 मार्क्स कम थे, EWS का 10 मार्क्स कम थे, BCA का 1 मार्क्स और BCB का 7 मार्क्स कम थे हुए थे, और AC में 18 मार्क्स का डिफरेंस आया था पिछले साल से ना। और ठीक है, और तो इस बार क्या रह सकता है राउंड टू में, काफ़ी सीटें खाली होने की वजह से क्या कट ऑफ जा सकता है। और राउंड टू में देखिए, बहुत सारे बच्चे का कॉल भी आया है हमारे पास, बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। कॉलेज हरियाणा के अच्छे कॉलेज है और वहाँ बच्चे ज्वाइन करेंगे जो हरियाणा के स्टेट के हैं, तो ये आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ काफ़ी गिरेगा, ठीक है ना। इस बार 597 पे भी जनरल को ये आप सीटें मिल सकती है, ठीक है ना, हरियाणा में, और EWS को 594 पे और BCA को 572 पे, BCB को 589 तक कट ऑफ गिर सकती है, और SC का 475 नंबर और SCG प्राइस 420, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, SCG प्राइम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा मानना है कि जनरल EWS और BCA कैटेगरी, ठीक है, और BCB, देखिए मेन जनरल EWS है जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गिरने की ये चल रही है। आपको जनरल को खास करके इतना कट ऑफ हरियाणा में पहले कभी भी नहीं था, 600 के नीचे आ जाएगा इस बार, और जनरल कैटेगरी के लिए EWS 6594 तो इससे कम भी हो सकता है 1-2 मार्क्स, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और हरियाणा के स्टूडेंट बिल्कुल ज्वाइन करें बॉन्ड की परवाह किए बिना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड हटने वाली है, ठीक है ना। जैसे भी हटे, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई नहीं गया था, और सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑलरेडी NMC को बोल चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, और केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है, और जल्दी ये रद्द होगी, ठीक है ना। आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, पता कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स की पावर, जो बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं वो इनको हटवा के चेंज करवा के ही मानेंगे, ठीक है ना। और सरकार किससे चलती है, पब्लिक से, ठीक है। अगर ये बॉन्ड पॉलिसी पब्लिक के ही अगेंस्ट है तो ये टिकेगी नहीं, ठीक है ना। अब तक बच्चे इसके अगेंस्ट नहीं थे, चुपचाप पिछले साल एडमिशन ले लिए थे, लेकिन अब खड़े हो गए, तो बॉन्ड पॉलिसी हटेगी, तो बेफिक्र हो के आप लोग टेंशन फ्री आप लीजिए। इसमें देखिए, ऑल इंडिया से भी बच्चे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे, ऑल इंडिया से भी आपके स्टेट में जा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। आप उठा के कट ऑफ देख लीजिए, साउथ साइड से कट ऑफ ज़्यादा गया हरियाणा स्टेट का, आपने आप सेकेंड राउंड का वो देख लीजिए डाउनलोड करके, आपको पता चल जाएगा। जब बाहर से बच्चे जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको अपने स्टेट में सीटें लेनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि साउथ से मैं समझता हूँ कि बेटर है, तो यहाँ हरियाणा के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने स्टेट की सीटें लें, ठीक है। और चैनल पे नए आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।